तो दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है उनको आपस में किस तरह से चेंज करना है उसका आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताई थी। अब उसी सीरीज में मैं आपको एक क्वेश्चन करके यहाँ बता रहा हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से उन टेक्निक्स को हमें यूज करना है। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको जीएनपी दे रखी है 800, आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ये दिया है हमारे को 50, सब्सिडी ये दिया है हमारे को 10, सीएफसी दिया है 40, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 है। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वैल्यू ग्रॉस से नेट में हम निकालें या नेट से ग्रॉस में निकालें तो उसके हिसाब से हमारे को जो गिवन है वो वैल्यू तो हमारे को राइट साइड में लिखनी है। और यहाँ हमें पूछा NDPHFC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो हमें एक तरह से यहाँ से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। अब क्या गिवन है, जीएनपी और टेंपी गिवन है, ये हमने यहाँ लिख दिया। और मैंने वहाँ आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि अगर हम ग्रॉस से अगर हम नेट निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस सीएफसी करना होता है। तो यहाँ हमें ग्रॉस वैल्यू दी हुई है, ये जी देखिए ग्रॉस वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस वैल्यू से हम नेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सीएफसी माइनस करना होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सीएफसी लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ ये एन का मतलब है नेशनल, एन का मतलब हो गया नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट ये हमारे को गिवन है। नेशनल प्रोडक्ट से हम क्या निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक निकालते हैं तो हम NFI को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो नेशनल से डोमेस्टिक निकाल रहे हैं, NFI माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ NFI दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ NFI लिख दिया, इसको हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से। तीसरा ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से आप क्या निकाल रहे हो, फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम यहाँ मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो माइनस क्या होगा, NIT माइनस होगा, और वो हमने NIT यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखिए GNPA टेंपी हमें दे रखा है 800, तो हमने यहाँ पर 800 लिख दिया। CFC हमारे साफ साफ गिवन है, वो 40 लिख दिया। NIT का मतलब मैंने लिखा था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है 50 और सब्सिडी है 10, तो हमने कर दिया 50 माइनस 10। अगर क्वेश्चन में आपके पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं भी दी हो, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि केवल सब्सिडी दी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता, उस केस में आप इनडायरेक्ट टैक्स को 0 मान के सॉल्व करेंगे, 50 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ हमारे को इनडायरेक्ट टैक्स 50 दिया हुआ है तो हमें 50 लिखेंगे, माइनस 10 यानी कि सब्सिडी वो हमारी 10 है यहाँ पर। अब माइनस NFI का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 20 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 माइनस 10, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 20 माइनस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 800 माइनस 40, ये आ गया हमारे पास 40, ये हमारे पास आ गया 10, और उसके बाद 800 माइनस ये तीनों को ऐड हुआ 90 हम माइनस करेंगे और हमारे पास जो NDPHFC आया यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम आई वो आई हमारे पास 710। इस तरीके से कोई भी जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। एक और सवाल मैं आपको, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सिंपल करके यहाँ पर बताता हूँ ताकि ये चीज आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब यहां हमने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाने के लिए तीन चीजें माइनस करी क्योंकि उसमें तीन चीजों का डिफरेंस था। अब एक मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, सपोज करिए कि आपको NDP या TFC गिवन है और ये 1000 आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको केवल सब्सिडी दी हुई है यानी कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, सब्सिडी है हमारी 50, तीसरा हमारे डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, CFC कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करिए दे रखा है 100,
इसके बाद हमें NFIA दे दिया, डायरेक्टली हम इसको बात कर लेते हैं, ये NFIA माइनस 20 हमें गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है GDP एट MP, तो हम यहां लिखेंगे GDP एट MP इज इक्वल टू, हमें दिया क्या हुआ, गिवन क्या है, गिवन है NDPFC, तो हमने यहां पर लिख दिया NDPFC। आप डायरेक्ट वैल्यूज मत पुट करिए, पहले आप वर्ड्स में लिखिए जिससे हमारे क्वेश्चन के गलत होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और हम ग्रॉस से नेट में कैसे आ रहे हैं या नेट से ग्रॉस में कैसे आ रहे हैं, इस चीज को मैंने अपने पिछले वीडियो में देखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, मेरे YouTube चैनल पर आप उसको कंटिन्यू से देखिए, तो वहां ये चीज आपको समझ में आ जाएगी NDPFC। अब यहां देखिए हम नेट से कहां जा रहे हैं, ग्रॉस पे जा रहे हैं, यानी कि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, CFC प्लस करना होगा। तो हमने यहां पर इसमें क्या कर दिया, CFC प्लस कर दिया। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, यानी कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक में कोई फर्क नहीं है, तो हमें यहां पर NFIA का यूज नहीं करना। हमें NFIA दिया हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन में NFIA का यूज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यू हमें दी हुई हो वो सारी की सारी वैल्यू हम अपने सॉल्यूशन में शामिल करें, क्योंकि हमें डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही निकालना है, इसलिए यहाँ NFIA का यूज नहीं होगा। उसके बाद देखिए फैक्टर कॉस्ट से हम कहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं। तो इसका मैंने बता रखा है कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो NIT को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आप निकाल लीजिए NDPFC में दे रखा है 1000, CFCA में दे रखा है 100 और NIT में दे रखा है, जैसा मैंने कहा NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो हम उसको एक तरह से जीरो मान लेते हैं, और सब्सिडी हमें दे रखी है 50, तो हम लिखेंगे 0 माइनस 50। अब आपका ये हो गया 1000 प्लस 100 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस माइनस 50। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी GDP एट MP की, ये हमारे पास आ जाएगी 1050। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इस तरीके से हम जो हमारा डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं उनको हम आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 इंपॉर्टेंट जो मेथड हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।